हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉन्स्टिपेशन और फाइब्रस फूड के बारे में, कि फाइब्रस फूड खाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या, कब्ज़ की समस्या वो समस्या है जिसके अंदर जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं या मल त्याग करने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या बार बार जाना पड़ता है या फिर आपका पेट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की समस्या बहुत आम होती है प्रेगनेंसी में। हर 4 में से 3 महिला देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन को फेस करती है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों इतना कॉमन है हम ये भी जानने वाले हैं प्रेगनेंसी में, प्लस ऐसा क्या हाई फाइब्रस फूड आप इंक्लूड कर सकते हो, क्या ऐसे टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने कब्ज़ की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका काफ़ी हायर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। प्रोजेस्टेरोन का हायर लेवल इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो सेफली कंटिन्यू हो सके। सो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लोली वर्क करने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये हमारे जितने भी लिगामेंट्स होते हैं उनको भी रिलैक्स कर देता है और साथ साथ में ये हमारे जो बॉवल मूवमेंट है, हमारी जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है उसको भी स्लो डाउन कर लेता है। तो स्लो डाउन की वजह से क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें काफ़ी लंबे समय तक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वेस्ट फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टेबल रह जाते हैं। सो यहाँ पे जितना भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा वो हम देखने वाले हैं कि फाइबर फूड कैसे हेल्प करेगा इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। सो फाइबर जो है वो हमारे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। प्लांट बेस्ड फूड होने से ये फायदा होता है कि फाइबर खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता है बट ये एब्जॉर्प्शन ईजी कर देता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जितना भी फूड आपकी इंटेस्टाइन में आता है ये उस फूड को एक बल्क प्रोवाइड करता है और बल्क प्रोवाइड करने की वजह से जो फूड है वो ईजीली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है। सो ये हेल्प करते हैं, फाइबर फूड हेल्प करते हैं आपकी इंटेस्टाइन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्टिवली स्मूथली रन करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ फाइबर फूड जो है वो सबसे पहला प्राइमरली जो है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ये अवॉइड करता है कॉन्स्टिपेशन, आपकी कब्ज की समस्या को ये ख़त्म करता है। सेकंड होता है ये हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है, क्योंकि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को भी कम करता है। थर्ड है ये टाइप 2 डायबिटीज रिस्क को डेफिनेटली कम करता है, ऐसा रिसर्चेस में देखा गया है। सो नॉर्मली प्रेगनेंसी में आपको फाइबर इंटेक जो डेली डाइट रिकमेंडेड है वो है 28 ग्राम्स पर डे। सो आपको जो फाइबर फूड लेना है वो बहुत मस्त है। तो आपके लिए ये समझने के लिए, इजी बनाने के लिए हमने फाइबर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 1 by 1 हम हर कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। सो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, फॉलेट है और एनर्जी है, राइट। सो जब आप फ्रूट कंज्यूम करते हो तो फ्रूट में बहुत अच्छे से आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। सो ये न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं आपके ग्रोइंग फीटर्स की और मदर की बॉडी की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। सो फ्रूट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको प्रेगनेंसी में कंज्यूम करने ही हैं। द ओनली एडवाइस हियर इज़ कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पपाया और पाइनएप्पल का सेवन नहीं करना है। एंड द सेकेंड कैटेगरी वी हैव इज ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज वेजिटेबल जो है हमारे वो रिच होते हैं विटामिन सी, ए, के, विटामिन हमारे मिनरल्स के, पोटेशियम के थ्रू, और हमारा आयरन, हमारा फॉलेट, ये सब बहुत अच्छे से हमें वेजिटेबल्स में मिल जाता है। अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप
खा रहे हो, तो वो एक इट्स काइंड ऑफ बोनेंजा, बोनेंजा की तरह काम करता है कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका फॉलिक एसिड और फॉलिक। ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है बेबी की डिमांड को भी फुलफिल करने के लिए। तो अगर आप अपना आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बेबी आपके बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको हीमोग्लोबिन चाहिए, जो कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनेक है, केले होता है, उनसे बहुत अच्छी फॉर्म में आपको मिल सकता है। सो ग्रीन वेजिटेबल्स डेफिनेटली येस, आपको सैलेड खाना है, बहुत ज़्यादा सैलेड खाना है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाजर, ब्रोकनी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जियां हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। सो वेजिटेबल्स आपकी लिस्ट में सेकेंड नंबर पे होने ही चाहिए। ओके, देन थर्ड कैटेगरी वी हैव इज ईट लॉट्स ऑफ लेंटिल्स। लेंटिल्स इंपॉर्टेंट है, लेंटिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रोटीन चाहिए बहुत सारा। सो प्रोटीन होता है इनमें, फॉलेट है, B6 है, फाइबर है। सो ये हाई इन फाइबर होती हैं। लेंटिल्स हेल्प करता है आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग कंपार्टमेंट के लिए। बेसिकली आपका जितना भी फटीग है और जितना भी आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, वो सब आपकी मसल बिल्डिंग जो हो रही है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, वो सारा आपकी लेंटिल्स मतलब प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आपको लेंटिल्स डेली लेनी है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स अवेलेबल है हमारे पास। बीन्स आप ले सकते हो, बीन्स में भी हम पे वेराइटी अवेलेबल होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के डेवलपमेंट के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए। सो फोर्थ कैटेगरी है हमारी ईट होल ग्रेन्स। अगेन होल ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि होल ग्रेन्स कंटेन करते हैं आपका आयरन, फॉलिक एसिड और उसके ज़्यादा ये भी हाई इन फाइबर होता है। जब आप होल ग्रेन ले रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक दिन में 6 से 8 ग्राम तक होल ग्रेन्स जो है वो ऑप्ट करने हैं। बेस्ट सोर्सेज होते हैं इसके लिए, आप ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो और ब्राउन राइस, ये बेस्ट सोर्सेज हैं। ओके, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है सिंपली टू गेट मोस्ट ऑफ योर फाइबर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, राइट। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि जब आप वेजिटेबल्स ले रहे हो तो वेजिटेबल जो है वो बोनेंजा ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। इतने कलरफुल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं और हर वेजिटेबल की एक अपनी खासियत है, अपना मिनरल है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पोटेशियम्स हैं, मैग्नीशियम है। सो वेजिटेबल जो हैं वो आपकी लिस्ट में हमेशा प्रायोरिटी पे होने चाहिए एज कम्पेयर टू ग्रीन्स। मतलब आपको वेजिटेबल ज़्यादा कंज्यूम करना है, ग्रीन्स थोड़ा कम कंज्यूम करना है, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपने ध्यान रखना है। ओके, सो लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रेट योर सेल्फ वेल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ कि वो पानी का कंजम्पशन अच्छे से नहीं करते हैं। सो यहाँ आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ आपका एक बेबी भी है। सो आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी अब बढ़ गया है, तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो खून हर समय बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो उस ब्लड वॉल्यूम को आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छी मात्रा में पानी पीना होगा। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन साइन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिजीनेस होना या हेडेक होना। सो पानी पीना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत अच्छा है आपके लिए और आपके बेबी के लिए, और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में पानी पीने की भूमिका सबसे ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे आप किस तरह अपनी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की समस्या को खत्म कर सकते हो। सिर्फ आपको डाइट में फाइबर को इंक्रीज करना है, आपको वाटर इंटेक बढ़ाना है, उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है कि आपको एक्टिव रहना है। जब आप एक्टिव रहोगे देन योर बॉडी विल एक्ट लाइक दैट। ओके, सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।